और इनकी विचारधारा सिर्फ एक चीज कहती है, और उस सत्ता को रखने के लिए, उस सत्ता से चिपकने के लिए कुछ भी करेंगे कि किस तरह से भाजपा सत्ता में रहेगी। आपको वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। जितनी भी आपकी संपत्ति है सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बेची जा रही है, लेकिन सच्चाई आपको सुनानी पड़ेगी। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो आपकी संपत्ति है, जो आपने बनाया है, सरकारी पैसों से बनाया है, वो बिक चुका है इनके खरबपति मित्रों को। जो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं उनको बेचने की साजिश है। जो जो आपका है सब बेचना चाहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के चिड़ियाघर के जानवर भी ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के बेटों के चिड़ियाघर में भेज रहे हैं। यहाँ से 2 ब्लैक पैंथर भेजे गए हैं, किस लिए, किसके थे? ये दिखाता है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ उनकी जागीर है, किसी को भी बेच डालें, लेकिन ये किसी की जागीर नहीं है, ये प्रदेश आपका है। जो यहाँ सामने मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आपका है। कांग्रेस आज आपके सामने खड़ी है, आपने कांग्रेस को परखा। ये लोग कांग्रेस का अपमान करते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने असम को अपमानित किया, कि कांग्रेस की सरकारों ने असम को कमजोर बनाया। कांग्रेस ने आपको कैसी सरकारें दी? हितेश्वर साइकिया जी की सरकार दी, तरुण गोगोई जी की सरकार दी, क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? इन्होंने असम को विकसित किया। तरुण गोगोई जी के समय में आप अखबार खोलते थे, आपको रोजगार के इश्तेहार दिखते थे।